सो भाई देख लो हमारे गरीब बॉय इनका 900 के सब्सक्राइबर होने वाले अभी बस, और भाई को भी सपोर्ट करो, बाकी आप लोग के ऊपर है, जमशेदपुर से आगे लेके जाओ यार सबको। नमस्ते अंकल, अब तो पूरा वीडियो बना रहे हैं अंकल, पूरा देखते हैं आपका वीडियो भी। अभी मेरे रेड बुल से एक एक्सीडेंट हो जाता, जिमी लॉ कहीं परेशान है बाहर आने के लिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। So, hey guys, what is up? It's me, Mr. Sanju, and welcome back to my another brand new video. Last वाले part में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग डोमिनोज गए एंड जुगली पार गए, कदमा तरफ गए थे थोड़ी बहुत, उसके बाद हम लोगों ने खा पी के मस्त वीडियो का एंड कर दिया। एंड गाइज, इस वाले वीडियो में लोग ऐसे वहाँ से निकले तो भाई को एक कॉल आया एंड भाई बोला कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, आप लोग शायद उन्हें जानते होंगे, तो भाई के घर के पास ही रहता है वो, तो भाई बोले चलो मैं मिलाता हूँ तुम्हें। एंड मैं भी काफी टाइम से सोच रहा था कि इनको अपने वीडियो में एड करने के लिए, तो अभी देखते हैं अगर हम लोग उनसे मिल पाए तो वीडियो में उनको जरूर एड करेंगे। एंड अभी भाई के साथ हम लोग जा ही रहे हैं, भाई को घर छोड़ेंगे एंड उनसे मिलते हुए चलेंगे, फिर भाई को घर छोड़ेंगे एंड देखते हैं गाइस अगर मत अच्छा रहा तो उनसे मिल पाएंगे, वरना फिर कभी और मिलेंगे। बट अभी मौका मिला तो फिर मौका में चौका क्यों ना मारे। एंड आप लोग गेस करो वो कौन होने वाला है, आप लोगों को थंबनेल देख के तो थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि वो कौन होगा। सो आप लोग कमेंट करो कि भाई वो कौन है एंड देखते अभी मिल पाते कि नहीं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि उनको अपने वीडियो में लूँगा, क्योंकि भाई वो जो भी है अपने दम पे है एंड अपने एरिया पे है एंड अपने सिटी से है, अपने घर के बगल ही में रहते हैं पास ही में, तो फिर हम उनसे क्यों ना मिले। उनका अभी 900 के सब्सक्राइबर होने वाला है भाई, अपनी रेडबुल जब भागती है ना भाई तो सब लोग उसे घूरते रहते हैं यार। अभी हम लोग पहुँच ही गए अपना मखदमपुर फाटक, तो बस थोड़ी देर और हम लोग पहुँचने वाले हैं भाई के घर, फिर आप लोग को मिलाते हैं। और थोड़ी सी दूर भाई साहब एंड बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि जो खुद के दम पे खड़े होते हैं ना, लाइक जो खुद से अपना जगह बनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से मिलना, क्योंकि वो खुद पे है ना, उनके पास कोई बैक सपोर्ट एंड उस लेवल तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगता है एंड लोगों को उसके पीछे का मेहनत नहीं दिखता, लोगों को बस उसके पीछे का दिखता है कि भाई वो कैसे भी फेमस हो गया ये तो मैं भी कर लूँगा, बट ऐसा नहीं होता गाइस। ओ भाई अभी मेरे रेडबुल से एक एक्सीडेंट हो जाता कबूतर का। अभी पहुँच चुके हम लोग उनके घर के बाहर में, भाई उनसे बुलाएंगे। सो भाई रेडबुल में खड़ी है, हम जा रहे हैं इनसे मिलने, आप केस करो वो कौन है। भाई आ गया आगे। दुआ ले गया क्या? तो पानी ले मिलने के जा रहे हैं, उनका कुत्ता हम लोग दौड़ा दिया था। जिमी हेलो जिमी कैसे हो, काटेगा नहीं आंटी, कैसे हो? बस अवन भाई कैसा है, बढ़िया है ना गाइस। मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा था, ये वो यूट्यूबर है अपने सिटी से एंड अपने एरिया से, जो कोई फेमस होता ना अपने मतलब खुद के सपोर्ट में ना, कोई बैक सपोर्ट एंड भाई बहुत मेहनत करते हैं। एंड भाई मेरे स्कूल से संत रॉबर्ट था, हम लोग साथ ही में पढ़ते थे, लाइक मैं इनसे थोड़ा सीनियर था एंड मेरे से जूनियर थे, बट कोई नहीं। एंड आज जो भी है भाई अपने भद्रवत पे है एंड भाई का अभी 900 के सब्सक्राइबर होने वाला है। हाँ देखे नहीं टीवी चलेंगे हम लोग, बहुत अच्छे है भाई का बिहेवियर भी देखो, एकदम पूरा फ्रेंडली है। थैंक यू भाई। अंकल आंटी सो भाई देख लो सावन भाई हमारे गरीब बॉय, इनका 900 के सब्सक्राइबर होने वाले अभी बस, और भाई को भी सपोर्ट करो, बाकी आप लोग के ऊपर है, जमशेदपुर से आगे लेके जाओ यार सबको। एंड मैं भाई का इसी वजह से फैन हूँ, क्योंकि गाइस भाई आज जो कुछ भी अपने बदौलत है, अपने खुद के ऊपर, ना कोई बैक सपोर्ट ना कुछ। एंड भाई आप लोग इनका ओल्ड वीडियो चेक कर सकते हो, भाई कहाँ से कहाँ लेवल में गया है, यहाँ से लेके एकदम हाई लेवल में। तो जो बंदा करता है गाइस उसी को पता होगा कि उसके लिए क्या मेहनत है, बाकी लाइक कोई और देखते होंगे जो लाइक जो हेटर्स रहते हैं उनको लगता होगा यार बहुत ईजी है, बहुत इनके लिए तो ये तो मैं भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो भाई को पता है कि भाई आज इस लेवल में कैसे पहुँचा है। एंड मैं अभी स्टार्टिंग क्यों, मुझे ही पता है कि भाई जब वीडियो बनाता हूँ दिन भर कम व्यू आता है या फिर लाइक सब्सक्राइबर हेट मिलता है, तो पता है कैसा अजीब लगता है। सो कोई ना ऐसे तरह मेहनत करना है, धीरे धीरे होगा, वही चीज़ बोलूँगा गाइस, देखो शुरुआत में पता नहीं चलेगा बट धीरे धीरे करते जाओगे तो फिर सब लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको कि हाँ बंदा कुछ कर रहा है जी।
एक ऐसे मेरे भी बहुत चाहने वाले भी हैं, जैसे जो देखते हैं कि भाई अच्छा कर रहे हो, सपोर्ट करते हो तो अच्छा लगता है, मोटिवेट होता हूँ और आगे वीडियो बनाने के लिए अच्छा भी लगता है। बट जो कि भाई नेगेटिव कमेंट करते हैं, जो कि खराब कमेंट करते हैं, ये यार ऐसा नहीं है, वीडियो ऐसा अच्छा नहीं है, ऐसा ही कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, तो ऐसा अच्छा ही नहीं लगता है। एंड भाई के भाई को देख के बहुत मोटिवेट भी होता हूँ, क्योंकि इनके ओल्ड वीडियो एंड अभी के वीडियो आप लोग बहुत सकते हो, जमीन आसमान का फर्क है, तो अच्छा लगता है काफ़ी। एंड अभी भाई के साथ मिलते हैं, फोटो वोटो क्लिक करते हैं एंड फिर चलते हैं। एंड भाई का बिहेवियर देख लो। नमस्ते अंकल, अब तो पूरा वीडियो बना रहे हैं अंकल, पूरा देखते हैं आपका वीडियो भी जी। बनाते हैं जी। और पवन अंकल, अरे कभी हम लोग को एडजस्ट कर। पवन भाई कैसे हो, अच्छे हो ना? जिमी लॉग भी परेशान है बाहर आने के लिए। हम लोग स्कूल फ्रेंड है, वन क्लास हम लोग साथ ही में। बंद कर, अभी मत निकाल, अभी मत निकाल भाई ना। सो गाइस फाइनली हम लोग ने गरीब बॉय से मिल लिए एंड उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उन लोगों का बिहेवियर, उनके पापा का, उनकी मम्मी का एंड खुद गरीब बॉय सावन भाई का बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मिलके। ऐसे लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं और आए, तो अपनापन सा फील हो रहा था। एंड उनकी मम्मी ने, आंटी ने हम लोग को बैठने के लिए कुर्सी भी दी है, मतलब रिस्पेक्ट है भाई। जब आप किसी होते हैं ना, जो बंदा पहले से रिच है एंड आप उसके यहाँ जाते तो नहीं, रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं यार, हाँ आप वो फेमस है, आप उनसे मिलने के लिए गए ठीक है, बट वो आपके इतने रिस्पेक्ट नहीं करती है। बट जब जो बंदा नीचे से ऊपर जाता है ना, उसी को पता रहता है रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है एंड आपको वहीं से रिस्पेक्ट मिलता भी है। अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके। लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी मुझे मतलब मैं ना कभी बोलने टाइम लड़खड़ाता नहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आज लड़खड़ा रहा हूँ बोलने में, बहुत अजीब लगा क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मिलूंगा। सो मिल लिए, अच्छा लगा बहुत। मनीष भाई को भी बहुत सारा थैंक्स, बिकॉज उनके वजह से आज हम लोग मिल पाए एंड भाई ने उनसे मिलवाया। मैं तो कभी अकेले जाने का हिम्मत भी नहीं कर सकता था, बिकॉज मैं बहुत साई टाइप में बंदा हूँ, मेरे को बहुत अजीब लगता है किसी अननोन पर्सन के घर जाने में एंड वो तो भाई। एंड आज वीडियो को ये एंड करते गाइस, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहेंगे।